हेलो स्टूडेंट्स, अब इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए तीन फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं। वैल्यू एडिशन मेथड, जिसको हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, एक होता है इनकम मेथड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमारे पास यहाँ पे तीन मेथड्स हैं, उनको उनसे क्या क्या चीजें फाइंड आउट होती है, हम उनके बारे में आज बातें करेंगे। मेथड्स, अब जब हम लोग मेथड्स की बात करते हैं तो सबसे पहला मेथड आता है वैल्यू एडिड मेथड, जिसको हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। फिर एक आता है हमारा इनकम मेथड, फिर हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। यहां पे तीन मेथड्स, सबसे पहला मेथड वैल्यू एडिड मेथड, फिर है इनकम मेथड और फिर है एक्सपेंडिचर मेथड। क्वेश्चन जो आता है, ज्यादातर जो पूछा गया है वो ये पूछ रहा है कि कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। काफी बार क्वेश्चन के अंदर आपसे ये नहीं बताया जाएगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ करके ये डिसाइड करना पड़ेगा, खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि किस मेथड से हम लोग उस नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस करते हैं इनकम मेथड। अब क्वेश्चन ने अगर हमसे नेशनल इनकम की बात की है, नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो इसका मतलब है NNP@FC, हमें NNP@FC निकालना है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना है आपने, NNP@FC बात की बात है, हमें इन तीनों मेथड से जो भी चीजें मिलती हैं सबसे पहले हम उनको फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका कन्वर्जन करेंगे किसमें, NNP@FC के अंदर। तो अब आप लोगों ने देखा है कि इनकम मेथड के अंदर केवल तीन चीजें आपने याद रखनी है। सबसे पहली बात COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयर से अपने एम्प्लॉइज को जो चीजें दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे है हमारा एम्प्लॉयर और यहां पे है हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज। अब इन एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयर क्या देगा? सबसे पहले यहां से यहां पे इन लोगों को जो चीज मिलती है वो होती है सैलरी एंड वेजेस। यहां से यहां पे जो डिलीवर होने वाली चीज है वो है सैलरी एंड वेजेस। अब इसके अलावा सैलरी एंड वेजेस इन लोगों को मिली, अब इसके अलावा अगर ये एम्प्लॉयर इनको किसी भी चीज का काइंड में कोई चीज देता है, फॉर एग्जाम्पल इनको रहने के लिए जगह देता है, इनको खाने के लिए खाना देता है, बाकी के अलाउंसेस देता है, तो वो सारी चीजें भी COE का पार्ट है क्योंकि एम्प्लॉयर से उसके एम्प्लॉइज को मिल रही है। उसके बाद इनके बिहाफ में एम्प्लॉयर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी इन्हीं को मिल रहा है। एम्प्लॉयर ने कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया इन लोगों के बिहाफ में इन लोगों के लिए, तो वो भी उन्हीं को मिला। तो यानी कि COE निकालते समय आपने याद रखना है सैलरी एंड वेजेस कैश में या काइंड में किसी भी तरीके से जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉइज को दिए हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ COE। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में आपने किन किन चीजों को ध्यान रखना है? ऑपरेटिंग सरप्लस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेंट, इंटरेस्ट एंड थर्ड चीज इज प्रॉफिट, रेंट और रॉयल्टी। OS यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीन चीजों को ऐड करना है तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। काफी बार प्रॉफिट जो है वो हमें डायरेक्ट नहीं दिया होता है, इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो प्रॉफिट्स क्या क्या होते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स, सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स। अगर कोई भी बिजनेस कॉर्पोरेट टैक्स देता है तो वो प्रॉफिट का पार्ट है। सेकंड डिविडेंड एंड थर्ड वन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, राइट?
इसके बाद थर्ड एंड लास्ट मिक्स इनकम। मैं तो अब आप लोगों ने केवल ये थोड़ी सी चीजें लर्न करनी है, थोड़ी सी चीजें समझनी है, केवल COE, OS और मिक्स इनकम, यानी कि इन तीनों चीजों को प्लस जब हम करेंगे तो वो हमारा होता है इनकम मेथड। और जब हम लोग इन तीनों चीजों को प्लस करते हैं तो जब हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमारे लिए रिजल्ट होता है एनडीपी एट एफसी, यानी कि 1+2+3। इन तीनों चीजों को जब प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा एनडीपी एट एफसी। और जब आपको एनडीपी एट एफसी मिल गया और आपको जब एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी पे जाना है तो केवल डी को एन में कन्वर्ट करना है। और थोड़ी देर पहले हमने एक और वीडियो देखी थी, उस वीडियो में हम लोगों ने समझा था किस तरीके से डोमेस्टिक को नेशनल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। मींस एनडीपी एट एफसी में जब आप प्लस करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एनएफआईए को प्लस कर दीजिए, तो इससे आपको मिलेगा एनएनपी एट। आई होप समझ में आया होगा। केवल तीन चीजें, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, इन तीनों चीजों को जब प्लस करेंगे देन यू विल गेट एनडीपी एट एफसी। और उस एनडीपी एट एफसी से आपको जो भी चीजें फाइंड आउट करनी है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं। तो ये था आपका इनकम मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट मेथड के बारे में, और बेटा उसके बाद विल ट्राई कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करें। नोट कीजिए,